नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से 5x5 नंबर की हेल्प से ताजमहल का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर आपको पहले इस तरह 5x5 नंबर लिखना होगा। बीच वाला थोड़ा बड़ा सा लिखेंगे, हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। फिर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको आप नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे टच करेंगे, सेम आप इधर भी ऐसे इस 5x5 नंबर को आसानी से टच कर दीजिएगा। टच करने के बाद इस वाली लाइन को आप ऊपर की तरफ यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे, सेम आप इधर भी एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हुए ऊपर के साइड में बढ़ा लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठाइए दोस्तों, और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। इस वाली लाइन को भी ऊपर के साइड में बढ़ाएंगे, यहाँ से भी आप ऊपर की तरफ बहुत ही आसानी से बढ़ाइएगा। बीच वाली लाइन को भी ऊपर के साइड में इसे थोड़ा सा आप बड़ा बनाएंगे, इधर भी आप ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिएगा। इसको आपको एक ऊपर के ही साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, छोटी सी लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक छोटी सी लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर दीजिएगा, फिर बहुत ही आसानी से यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए। इधर आपको छोटी छोटी लाइन ऐसे ड्रॉ करना होगा। और दोस्तों, आपसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है ताजमहल का निर्माण कब और किसने कराया था तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको डबल करिएगा, डबल हो जाने के बाद नीचे वाले सिरे को भी आप यहाँ से ऐसे मिलाते जाएंगे, बहुत ही आसान होने वाला है। इधर से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पर ऐसे टच करेंगे, सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा। ऊपर के साइड में एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, छोटी सी लाइन आपको यहाँ पे बढ़ाना है, एक इधर। इस साइड भी आप लाइन को बढ़ा दीजिएगा। लाइन को बढ़ाने के बाद दोस्तों, अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। इधर से इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक गुंबद बनाना होगा, छोटा सा गुंबद इधर बनाइएगा, एक गुंबद आप इधर ऐसे आसानी से बना दीजिएगा। ऊपर के साइड में दोस्तों आपको एक गुंबद बनाना है, यहाँ से इधर ऐसे मिलाएंगे, यह हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए इधर ऐसे मिलाइएगा। एक लाइन इधर ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को आगे की तरफ आप आसानी से बढ़ाते जाइएगा, देखिए कितना आसान है। एक यू लेटर इधर, उल्टा यू लेटर, ध्यान दीजिएगा, एक उल्टा यू लेटर आपको ऐसे बढ़ाना होगा। फिर दोस्तों, ऊपर के ही साइड में छोटी सी लाइन इधर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर भी आप ऐसे लाइन बढ़ाते जाइएगा। लाइन को बढ़ाने के बाद जस्ट बगल से ही आपको एक यहाँ से ऐसे हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करना है, इधर भी आप ऐसे मिलाइएगा। ऊपर वाले सिरे को डबल करेंगे, यहाँ से भी ऐसे डबल करिएगा, एक बार आप नीचे के साइड में भी बढ़ा देंगे। देखिएगा, इधर छोटी सी लाइन, इसको भी डबल करेंगे, ऊपर के साइड में एक छोटा सा गुंबद बना दीजिए, इस लाइन को आगे के साइड में बढ़ा दीजिएगा। सेम आपको इधर भी ऐसे एक गुंबद बनाना होगा, इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हल्की सी तिरछी लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करिएगा, इस लाइन को आगे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा, इधर भी आप ऐसे डबल कर देंगे, ऊपर के साइड में हमें छोटा सा गुंबद बना देना है। इस 5 नंबर के बीच में दोस्तों आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करिएगा, इसको हम इधर ऐसे मिला देंगे, एक छोटी सी लाइन आप यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। देखिए कितनी आसानी से ताजमहल का चित्र बनके तैयार होने वाला है। आपको यहाँ से एक स्केल का यूज करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, जस्ट नीचे के ही साइड में छोटे छोटे यू यू लेटर लिखना होगा। और गाइज, एक छोटा सा और क्वेश्चन भी है आपसे, आप हमें ये कमेंट करके बताइएगा कि हमने यहाँ पर कितने यू लेटर लिखे हुए हैं, लास्ट में आप हमें काउंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर से बढ़ाते जाएंगे, एक यहाँ पर भी ऐसे बना दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा ये 5x5 नंबर की हेल्प से बहुत ही खूबसूरत सा ताजमहल का चित्र बनके तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।